स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। कहते हैं मानवता का कोई धर्म नहीं होता, कोई समुदाय नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। यही बात साबित की है आज विदिशा के किन्नर समाज ने। आपने लोगों को किन्नरों को दान करते हुए तो बहुत देखा होगा, क्या आपने किन्नरों को किसी को दान करते हुए देखा है? आइए आज मिलवाते हैं आपको ऐसे ही किन्नरों से, जिनके लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जो दान पुण्य करते ही रहते हैं, कभी गरीब लड़कियों के विवाह के लिए तो कभी किसी गरीब की अन्य मदद के लिए। इसी श्रृंखला में आज उन्होंने गरीबों को 250 कंबलों का वितरण किया। आज किन्नरों ने विदिशा स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, रेलवे के प्रतीक्षालय व स्टेशन के बाहर जो भी गरीब मिले उन्हें कंबल भेंट किए। फुटपाथ पर जो भी गरीब मिले उन्हें कंबल बांटे और शासकीय जिला अस्पताल में प्रसूति वार्ड में सभी महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। इस प्रकार नगर में जहां पर उन्हें गरीब दिखाई दिए उनके द्वारा कंबल बांटे गए, द्वारा लोगों की समय समय पर यूं ही मदद की जाती है। विदिशा से मोनिश शाह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ मोनिश शाह न्यूज 28 से। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जहाँ किन्नरों को दुर्व्यवहार करने वाला समझा जाता है समाज के साथ, ये और कुछ लोग ऐसे भी हैं किन्नरों में जो समाज के लिए बहुत कुछ आगे आकर करते भी हैं। आज हम आपकी बात कराते हैं रत्ना से, जो कई सालों से उनके गुरु के टाइम से जो जनता के लिए, आम समाज के लिए बहुत कुछ सेवा में करते आ रहे हैं, आज इन्होंने कम्बलों का वितरण भी किया है। आइए हम बात करते हैं रत्ना से। रत्ना जी, हाँ जी, आप समाज में कितने सालों से समाज के लिए सेवाएं दे रहे हैं? आप हम लोग बहुत दिन से दे रहे हैं सेवाएं, और हमें गुरु भी देती थी, हमारे दादा गुरु भी देते थे, हमारी परंपरा चली आ रही है। आज आपने कम्बलों का वितरण किया है, कहाँ कहाँ किया है? हमने स्टेशन पे और ये चच्चा वार्ड में सरकारी अस्पताल में। कितने कम्बलों का वितरण करते हैं? 250। आप समाज में और क्या क्या करते हैं? गरीब लड़कियों की शादियों की मदद करते हैं, शादी करवाते हैं, और जो भी कोई मदद मांगने आता है देखते हैं गरीब, उनको भी करते हैं, हम लोग भी मांग के लाते हैं, उसमें से हम भी सबको देते देते हैं। क्या आप हमेशा करते हैं ये सब? हाँ, हमेशा करते हैं। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या, समाज कुछ जहाँ होशियार है हम लोगों को देख के, क्या आप चाहते हैं कि समाज आपके लिए भी आगे आकर कुछ करे, हेल्प करे? आप क्या कहना चाहते हैं, आप चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं समाज को? अब वो समाज की बात है। धन्यवाद। ये है रत्ना, जो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं आगे आकर, और समाज को भी चाहिए कि समाज इनके हक में इनके लिए भी कुछ करने की कोशिश करे, और सरकार से अपील भी करें कि वो इनके लिए आगे आकर इनके लिए जो मदद है वो मुहैया करा सके। नमस्ते दीदी, नमस्ते, चलो।